अगर मैं अपने YouTube चैनल पे एड्स ऑन कर दूं, तो मैं हर साल 1,20,00,000 रुपए कमाऊंगा। लेकिन मैंने वो एड्स ऑन नहीं किए हैं, क्यों और कौन से जरिए हैं जिसके थ्रू मैं YouTube से पैसे कमा पाता हूं, जानेंगे इस वीडियो में। मैंने अपने YouTube की जर्नी दोस्तों सितंबर 2017 में शुरू करी थी। उस समय पे मैं वीडियोस बहुत ही अलग मोटिव से डालता था। मैं एक स्टार्टअप का फाउंडर था, मुझे टैलेंट एक्वायर करना था। बेस्ट टैलेंट तक पहुंचने के लिए मुझे लगता था कि अगर मैं एक स्टार्टअप फाउंडर के रूप में कंटेंट क्रिएट करूंगा तो नेचुरली लोग उसको देख के शायद सराहेंगे और शायद उसके लिए नियर बाय जो मेरा स्टार्टअप था उसमें अप्लाई करेंगे। तो मैं कंटेंट इंग्लिश में बनाता था, ज्यादातर स्टार्टअप्स के बारे में या अपनी जर्नी एज ए फाउंडर के बारे में बनाता था। 3 साल तक मैंने ये किया, 100 से भी ज्यादा वीडियोस बनाए, हर हफ्ते 1 वीडियो, खुद शूट करता था, खुद थोड़ा बहुत एडिट होता था, इंट्रो अपनी टीम से एडिट करवाता था, सबटाइटल्स एक टीम से लिखवाता था। इंग्लिश के वीडियोस थे तो इंग्लिश में ही सबटाइटल बस बेसिकली लिखने ही थे, बट दैट यूज्ड टू बी द जर्नी एंड ये 3 साल तक चला। मार्च 2020 जब मैंने एक टीम इकट्ठी करी तब तक मेरे फॉलोअर्स थे 7,517 एंड दैट इज व्हेन अ न्यू गेम स्टार्टेड। अगले 6 महीने हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया, स्टार्टअप से बनाया, रिलेशनशिप से बनाया, करियर पे बनाया, पैसों पे बनाया, पर्सनल फाइनेंस पे बनाया, हिंदी में बनाया, इंग्लिश में बनाया एंड अक्टूबर 2020 तक आते आते ये बात जाहिर थी कि इंग्लिश कॉन्टेंट बहुत अच्छा चल रहा है एंड उसमें पर्सनल फाइनेंस एंड करियर के टॉपिक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। मे बी बिकॉज 40 साल का था, बहुत कुछ देख चुका था, बहुत सारी ठोकरें खाई थी, खुद बहुत कुछ सीखा था, तो जब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करता था, पीपल कुड रिलेट टू दैट, एटलीस्ट दैट्स द फीडबैक दैट आई हैव गॉट फ्रॉम सो मेनी ऑफ यू। लेकिन एक डिसीजन हमने ये लिया था कि हम कभी भी चैनल पे एड्स नहीं चलाएंगे एंड इसके मोटे मोटे 3 रीजन थे। नंबर 1, संदीप महेश्वरी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, मेरे को उनकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग लगती है कि इतने सालों से वो लगे हुए हैं, जब यूट्यूब किसी को नहीं पता था तब से कंटेंट बना रहे हैं एंड उन्होंने भी यही डिसीजन लिया था कि मैं अपने चैनल पे कभी भी एड्स चला के पैसे नहीं कमाऊंगा। तो मैं देख के वो लगता था यार जिंदगी में एक बार ये करना है, इस मकाम पे पहुंचना है, which happened। नंबर 2, मैं जब भी कोई कंटेंट देखता हूं और कोई एड आ जाता है और मैं उस कंटेंट में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो चुका हूं तो मुझे लगता है कि वो एड जो है वो फ्लो को ब्रेक कर देते हैं। सो आई डिडंट फील कि व्यूअर्स के साथ भी वही एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हेन दे गो थ्रू माय कंटेंट, क्योंकि ज्यादातर मेरा कंटेंट टीचिंग कंटेंट है, लाइक इट्स ट्राइंग टू टीच पीपल समथिंग, तो एक फ्लो में लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सडनली एक एड आ जाएगा वो डिस्टर्ब कर देता है एक्सपीरियंस को। एंड नंबर 3, व्हिच इज मोर ऑफ एन इमोशनल रीजन, कि अगर वो एक्सपीरियंस डिस्टर्ब्ड होता है तो मैं लोगों से पूछूं कि यार एड्स आपके लिए नेट पॉजिटिव हैं या नेट नेगेटिव हैं, तो शायद काफी लोग बोलेंगे कि यार एड्स अगर नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन प्लेटफॉर्म को भी एड की जरूरत है, राइट? ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इसीलिए फ्री है क्योंकि ये एड्स इस प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं। सो आई फेल्ट कि अगर लोगों को ये एड्स इतने पसंद है नहीं तो उससे कम से कम मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे किसी ऐसी चीज से पैसा नहीं कमाना जो लोगों को पसंद नहीं है। I would love to make money through something जो लोगों को पसंद है, but ads was not what I felt one of the things। तो इसीलिए मैंने अपने ads को हमेशा off रखा है। आज भी अगर आप कोई भी video देखते हैं तो उस पर ad नहीं होगा, अगर ad होगा तो वो सिर्फ कुछ rare cases होंगे जहां copyright की वजह से ads have been turned on। तो फिर मैं YouTube से पैसा कमाता भी हूँ कि नहीं कमाता हूँ? कमाता हूँ, काफी कमाता हूँ, देखते हैं कितना। तो पहले 3 साल, which was financial year 2020-21, 21-22, 22-23, तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, मार्च 31 को खत्म होता है। मैंने इतने इतने पैसे कमाए अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो सबसे पहला एक इनकम स्ट्रीम है ऑफ कॉर्पोरेट टॉक्स या अपीयरेंसेस। ये क्या होते हैं? अक्सर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो मुझे बुलाती हैं, बोलती हैं कि यार आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपका एक रुतबा है, आपका एक परसोना है, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि मोटिवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपका एक कॉन्वर्सेशन हमारे एम्प्लॉयज के साथ फायदेमंद है। सो दे इन्वाइट मी एंड आई चार्ज फॉर माई टाइम। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो बोलते हैं यार आप प्लीज आ जाइए एज अ चीफ गेस्ट या जज या समथिंग लाइक दैट एंड देयर ऑल्सो आई चार्ज फॉर माई टाइम। मेरे लिए मेरा वक्त बहुत ही कीमती है, वही एक एसेट है, तो मैं फालतू में तो ये वक्त नहीं देने वाला। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से चार्ज नहीं करता हूँ, बट देन आई डिसाइड कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो पहले 3 साल मैंने कॉर्पोरेट टॉक्स और अपीयरेंसेस के लिए करीब मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए पहले साल में कमाया, 4.68 दूसरे एंड 3.89
तीसरे साल में कमाया। अब ये YouTube की वजह से हुआ या Instagram की वजह से हुआ या LinkedIn की वजह से हुआ पता नहीं, लेकिन इसको जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी विल गेट टू सम पॉइंट। एंड देन देयर इज ब्रांड कोलैबोरेशंस। ब्रांड कोलैबोरेशंस मतलब आप किसी ब्रांड के साथ उनको एंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर कॉन्टेंट। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है एंड पिछले 3-3.5 सालों में I have endorsed brands, I have worked with them, I've integrated them in my content and this has been the split. तो पहले साल 10 लाख क्योंकि of course ज़्यादा visibility नहीं थी, ज़्यादा scale नहीं था। दूसरे साल 6 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे साल 3.67 क्योंकि एक conscious call था कि इस brand collaborations को धीरे धीरे कम करना है और courses वाला business जो है उसको बढ़ाना है and this was initially funding the courses business। इसका exact measurement है YouTube में, Instagram पे, LinkedIn पे कितना खर्चा हुआ है। तो हम YouTube पे फोकस कर रहे हैं। पहले के 10 लाख जो थे वो पूरे के पूरे YouTube पे आए थे, फिर 4.27 करोड़ YouTube पे एंड 1.77 ऑफ द 3.67 YouTube पे। मतलब टोटल मार्च 31st 2023 इस साल के मार्च 31st तक 1.77 करोड़ YouTube पे हमने पिछले साल कमाए। एंड देन देयर इज अफिलिएट इनकम। अब ये अफिलिएट इनकम बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो पे जाएंगे और उस पे मेरे डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट को देखेंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज लिंक्स। फॉर एग्जांपल माय मनी एप्स, इस पर क्लिक करते हैं एंड इस पे एक ये है कि इंडियन स्टॉक इन्वेस्टिंग ज़ीरोधा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कॉइन, यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग आईएनडी मनी, स्मॉल केस, पॉलिसी बाजार, विंट वेल्थ, डिटो, वजीर एक्स, ये सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, इनको एंडोर्स करता हूं क्योंकि इनको मैं पर्सनली यूज करता हूं और बहुत अच्छे से यूज करता हूं। एंड इफ यू वर टू गो एंड क्लिक एनी ऑफ दीज मुझे एक रेफरल इनकम मिलती है। तो अगर आप जैसे ज़ीरोधा पे जाएंगे तो यहां देख रहे हैं सी इक्वल्स जी एम पी एच सी वाई, ये मेरा कोड है। तो अगर आप इस लिंक से जाकर ज़ीरोधा पे एक अकाउंट खोलते हैं तो आपने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोला है एंड दैट मींस आपसे ज़ीरोधा कोई भी पैसे अगर कमाएगा आई विल गेट अ परसेंटेज ऑफ दैट एज अ रेफरल फी, सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर ऑल अदर ब्रांड्स एज वेल। दिस एड्स अप। इन एडिशन टू दैट Amazon का अफिलिएट लिंक भी है। तो अगर मैं आपको लास्ट ईयर का दिखाऊं, लास्ट ईयर 5.74 लाख मैंने कमाए हैं विच वॉज ओनली शेयरिंग लिंक्स ऑफ Amazon प्रोडक्ट्स जो कि आप खरीद के मुझे एक रेफरल रेवेन्यू देते हैं। तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स क्या थे। मेरी दो किताबें थी, गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट, लेकिन बाकी किताबें एटॉमिक हैबिट्स, 541 कॉपीज हैव बीन सोल्ड ऑफ एटॉमिक हैबिट्स क्लिकिंग माय लिंक, साइकोलॉजी ऑफ मनी 434, करेज टू बी डिसलाइक 390, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर मैं रेवेन्यू देखूं, दिस विल बी इंटरेस्टिंग, एडवर्टाइजिंग फी कितनी है। किसी ने पैनासोनिक लूमिक्स खरीदा मिररलेस कैमरा जो कि 1,44,000 रुपए का है एंड आई देन अर्न 7,118 रुपीज फ्रॉम दैट। सैंड पपी का हीट रैप विच इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, कूविंग्स का जो स्लो जूसर है उसके बारे में काफी बात कर चुका हूँ, करेज टू बी डिसलाइक, कोई हैंड हेल्ड बॉडी मसाजर, साइकोलॉजी ऑफ मनी, सो यू विल सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ दीज। ये सारा एड्स अप टू द एफिलिएट इनकम विच वॉज जीरो इन द फर्स्ट ईयर, then it became 38 lakhs and then it became 53 lakhs. Iska favorite part ki 100% of this income goes towards the education of kids jo ki khud usko afford nahi kar sakte hain. To pichle saal for example 53 lakhs humne 123 bachcho ki padhai mein कंट्रीब्यूट किया, स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, देश के कोने कोने से वो ईमेल्स आती हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, नीड बेस्ड होता है। तो जो जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि माँ बाप की सैलरी नहीं है या सैलरी खत्म हो गई है या कर्ज बहुत है या कोई भी और रीजन, वी देन ट्राई एंड हेल्प देम एज मच एज वी कैन। तो अगर हम सिर्फ एफिलिएट रेवेन्यू की बात करें तो 4.5 लाख रुपए हमने अमेजोन से जो कमाए वो 100% यूट्यूब के, क्योंकि वो लिंक कहीं और नहीं होता। तो ये हो गया आपका अमेजोन। फिर अगर हम ब्रांड कोलैब की बात करें तो उसमें हमने कितने कमाए थे, 1.77, तो 177 लाख हमने ब्रांड कोलैबोरेशंस के कमाए। फिर हमने कॉर्पोरेट टॉक्स और अपीयरेंसेस में टोटल 3.89 कमाया। लेकिन अब इस 3.89 में यूट्यूब का कितना शेयर था पता नहीं, तो सिंपलिस्टिक रीजन कर लेते हैं कि 1.77 ऑफ 3.67 48% है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि 3.89 का भी 48% था। तो टॉक्स टॉक्स 48% ऑफ
389, तो 186, एंड फिर आपका अफिलियट आ गया, वो भी हम 48% पे ही लेके चलते हैं, तो 48% ऑफ 53 लाख। तो अगर हम ये टोटल करेंगे तो यू विल गेट 3.93 crores earned from YouTube alone in the financial year 2022-23. इसमें ads included नहीं है। अब ads से हम कितना पैसा कमा सकते थे, इसको जानने के लिए हम जाएंगे अपने YouTube स्टूडियो पे। तो YouTube स्टूडियो पे हम कस्टम करेंगे April 1st, 2022 to March 31st, 2023। व्यूज देखते हैं, क्योंकि व्यूज पे ही आपको एडवर्टाइजिंग इनकम मिलती है। 120.6 मिलियन व्यूज, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द शीट दैट वी हैड। 120.6 मिलियन व्यूज। आप ये भी देखेंगे कि इसमें रेवेन्यू मैंने 4,000 रुपए कमाए हैं। अब ये 4,000 रुपए कैसे थे? एक दिन मैंने एक इंस्टाग्राम लाइव किया था, कुछ किया था, सॉरी यूट्यूब लाइव किया था, और उस पे वो जो चैट का एक सुपर चैट फीचर होता है ना, वो ऑफ करना भूल गए थे, तो वो 4,000 रुपए वहां से मिल गए। फिर वो बाद में किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि यार वो उसी लाइव के दौरान अगर ऑफ कर देंगे तो कुछ फोन आ जाए, नहीं होता, तो फिर भी लेट इट बी, तो वो 4,000 रुपए कहीं वहां से आ गए थे। बट बाकी यू विल सी इज एब्सोल्युटली जीरो। तो ये 120 मिलियन है, एंड यूजुअली यूट्यूब गिव्स रेट 50 to 100 rupees फॉर एवरी 1,000 views, 50 to 100 rupees फॉर एवरी 1,000 views। तो सबसे पहले तो हम देते हैं कि 1,000 views कितने हैं। तो views is this into 26 divided by 1,000, तो ये आपके 1,000 views आ गए। तो हम ad revenue कितना कमाते, अगर हमें 50 rupees मिलते तो इतना, और अगर 100 रुपए मिलते तो इतना, मतलब, एंड ये कितने होते हैं, इसको लाख में करेंगे तो मतलब 60 लाख से 120 लाख, मतलब 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इसके बीच में कहीं भी कुछ भी नंबर हम कमा सकते थे फ्रॉम एड रेवेन्यू। हमने कमाए 3 करोड़ 90 लाख रुपए, विच मींस वी इन अ वे अर्नड 326 रुपीज फॉर एवरी 1,000 views। जहां YouTube हमें 50 to 100 रुपए देता है हर 1,000 views के लिए, वहां हमने 326 रुपए कमाए। एंड दिस इज द पावर ऑफ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। तो हाँ, अगर आप 2024 में एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट decisions यू विल absolutely मेक, क्योंकि YouTube शॉर्ट्स ब्लो अप हो रहा है, YouTube लॉन्ग फॉर्मेट अभी भी कंसिस्टेंट है, देयर इज इनफ एंड मोर वाइड गैप्स कि आप कहां कंटेंट बना सकते हैं, कैसे, हमने एक पूरा इसके लिए YouTube का कोर्स भी बनाया है। ऑल ऑफ दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड आपका सबसे पहला स्टेप वंस यू क्रॉस द हर्डल ऑफ मोनेटाइजेशन इज टू टर्न एड्स ऑन। तो अगर आपका वो प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे साथ था, वो संदीप महेश्वरी के साथ प्यार और वो सब सारे मॉरलिस्टिक वैल्यूज, तो फिर आप बिल्कुल, एंड कोई भी इसमें गलत या सही रीजन नहीं है, एड्स सही तरीका है पैसे कमाने का, तो प्लीज कमाइए। क्योंकि मैं खुद एड्स चलाता हूँ, राइट, सो इट विल बी सो हिपोक्रिटिकल फॉर मी टू से कि नहीं एड्स से पैसे मत कमाइए। अगर आप कमाना चाहते हैं प्लीज कमाइए, टर्न दैट ऑन, बट डोंट थिंक कि दैट इज द ओनली वे टू मेक मनी। सबसे ज्यादा पैसा आप अपने पर्सनल ब्रांड से कमाएंगे, आप अफिलिएट इनकम से भी कमाएंगे, एंड आप ऑफ कोर्स ब्रांड कोलैबोरेशन से कमाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक पर्सोना बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपका चेहरा जरूरी नहीं है, आप जिस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, चाहे वो बुक रिव्यूज हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बाइक्स या कार्स हो, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी और सब्जेक्ट हो, यू हैव टू स्टैंड as somebody who is authentic, consistent for that niche. And अगर आप वो एक niche establish करेंगे, तो brands आपसे प्यार करेंगे, companies आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे प्यार करके, आपके links पे click करके, sale generate करके, आपके लिए revenue कमाएंगे, and you will not have to depend so much on the ad revenue that YouTube gives you. बुरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन it being the only option, बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी ये होप रहेगी कि 2024 आपकी YouTube जर्नी के लिए, आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के लिए बहुत ही रिमार्केबल ईयर हो।
With that wish, this is Ankur Variku signing off. मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं. एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.